हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके अक्टूबर माह के करंट अफेयर पर। आज के इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके बस्तर दशहरे। बस्तर दशहरे में जो विभिन्न प्रकार के आपके पूजा अनुष्ठान पर्व, जो उसमें अलग अलग तरीके के जो रस्म होती है, उन सारे चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो चालू करने से पहले एक थोड़ा सा आप लोग से डिस्कशन करना है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो वीडियो मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके रिस्पॉन्स अब उसमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि त्योहारों का समय है, नवरात्रि है, कुछ डांडिया गरबा अटेंड कर रहे होंगे, कुछ दशहरे अटेंड कर रहे होंगे, हो सकता है, मे बी पॉसिबल आप अभी इंजॉयमेंट के मूड में होंगे। लेकिन ये समझते चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकट्ठे आप उन आंकड़ों को याद नहीं कर सकते। यदि आप इन चीज़ों को लास्ट तक इकट्ठे करके रखने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम के समय आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे डाटा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो को भी देखिए, उसे पढ़िए। करंट अफेयर पर आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन आप करंट अफेयर के भरोसे नहीं रह सकते। आपको पास होने के लिए और भी अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक, तो देखिए, पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में हम देखेंगे पहले आपका ट्राइबल टूरिस्ट विलेज। ट्राइबल टूरिस्ट विलेज, ये जो ट्राइबल टूरिस्ट विलेज है, इसे डेवलप किया जा रहा है आपका बाला छापर ग्राम। जशपुर जिले के बाला छापर ग्राम में डेवलप किया जा रहा है आपका ट्राइबल टूरिस्ट विलेज। देखिए, ये जो विलेज है, ये आपका भारत सरकार, केंद्र सरकार की आपका स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, देखिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट डेवलप किया गया है। तो इसी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत ही भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत इस ट्राइबल टूरिस्ट विलेज को डेवलप किया गया है। ठीक, ये जो आपका जो विलेज डेवलप किया जा रहा है, इसमें स्पेशली आपका लकड़ियों से निर्मित मकान होंगे। जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उन्हें आकर्षित करने के लिए यहाँ पे लकड़ियों के मकान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है वो है आपके पहाड़ी कोरबा और बिरहोर। तो ये इन जनजातियों के रहन सहन का तरीका, वो किस प्रकार के मकान में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, तो ये सारी चीजें उनके खान पान से, उनकी जीवन शैली में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें वो उपयोग में लाते हैं, आपके पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति के आपके जो आदिवासी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन शैली में जो उपयोग में लाते हैं, वो सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी आपके इस ट्राइबल टूरिस्ट विलेज में। तो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से आपके जशपुर जिले के आपका बाला छापर ग्राम में इस ट्राइबल टूरिज्म से इस ट्राइबल टूरिस्ट विलेज को डेवलप किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी विचार यात्रा। गांधी विचार यात्रा प्रदेश में जो अभी नई सरकार बनकर आई है, कांग्रेस सरकार, तो उस कांग्रेस सरकार यानी हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो प्रदेश सरकार है, उन्होंने इस गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर ये गांधी विचार यात्रा प्रारंभ किया है, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये चलेगा। ये आपका प्रारंभ हुआ है 4 अक्टूबर को, ये आपका कंडेल ग्राम, धमतरी जिले के कंडेल ग्राम से यह गांधी विचार यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि 10 अक्टूबर को आपका गांधी चौक रायपुर में समाप्त होगी। ठीक, तो देखिए, ये जो आपकी गांधी विचार यात्रा है, इस गांधी विचार यात्रा में जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कई जगहों पर कई अलग अलग प्रकार की घोषणाएं की है। समझिएगा, सबसे पहले जो आपका कंडेल ग्राम धमतरी से ये जो आपका गांधी विचार यात्रा, जो कि आपकी 4 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी, तो इसी कंडेल ग्राम में आपके महात्मा गांधी के जो आपके जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर कंडेल ग्राम में आपका एक आपका कॉलेज बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा महात्मा गांधी कॉलेज, बापू के नाम पे कॉलेज का नाम रखा जाएगा। यानी कंडेल ग्राम में एक कॉलेज बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जाएगा आपका महात्मा गांधी कॉलेज। यहां पे एक आपका शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि धमतरी जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था आपका हजारीलाल जैन, धमतरी जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर यहां के एक गवर्नमेंट स्कूल का नाम रखा जा रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल का नाम है आपका हजारीलाल जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक, ये हजारीलाल जैन जी का योगदान किस आंदोलन में रहा, इसकी मेरे को पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। यदि आप में से
कोई स्थानीय निवासी होंगे धमतरी के तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इन हजारीलाल जैन जी का किन स्वतंत्रता आंदोलनों में इनका योगदान रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध जो आपके धमतरी जिले में जो आपका मॉडर्न सिल्ली बांध है, मॉडर्न सिल्ली डैम है, उस मॉडर्न सिल्ली डैम का नाम अब बदल करके रख दिया जाएगा आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जिनका कंडेल नहर सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनकी भूमिका रही थी। ठीक, तो ये जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर अब इस मॉडर्न सिल्ली बांध का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। ठीक, नेक्स्ट है आपका गौठान दिवस। इस गांधी विचार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आपके जगह जगह पे आप सभी को मालूम है कि गौठान जो आपका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत जो गौठानों का निर्माण किया जा रहा है, तो उस गौठानों का गौठान दिवस मनाया जाएगा। कब? जो आपके दीपावली के समय जो गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है, तो उस गोवर्धन पूजा के दिन ही इस ये गौठान दिवस मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की है। ठीक, नेक्स्ट है आपका गड़िया महोत्सव। गड़िया महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है आपका कांकेर जिला में इस गड़िया महोत्सव का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो गड़िया महोत्सव है, इस बार जो गड़िया महोत्सव का आयोजन हुआ, यह 13वें नंबर का गड़िया महोत्सव है। ठीक, देखिए ये जो गड़िया आपका पीएससी से इससे इनडायरेक्टली प्रश्न पूछता है, ये जो गड़िया महोत्सव है एक्चुअली में ये कांकेर जिला में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गड़िया पहाड़। ठीक, गड़िया पहाड़ किस जिले में है यह पीएससी में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा गढ़िया पहाड़ आपके कांकेर जिले में है और उसी कांकेर जिले में मनाया जा रहा है 13वें नंबर का गढ़िया महोत्सव। ठीक, नेक्स्ट है आपका नंदन वन जू। देखिए आप सभी को मालूम है कि जो आपका नंदन वन है, जो जहां पर पहले नंदन वन था, उस नंदन वन को अब उठा करके पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है आपके जंगल सफारी में। जो आपके नया रायपुर में जो जंगल सफारी डेवलप किया गया है, उस जंगल सफारी में इस नंदन वन जू को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, पहले जहां पर आपका नंदन वन था, उसे अब एक बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया है, और इस जो नंदन वन है उसे शिफ्ट कर दिया गया था आपके जंगल सफारी में। तो हाल फिलहाल में आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस नंदन वन जू का आपका लोकार्पण किया है। ठीक, तो ये जो आपका पूछा जाएगा कि नंदन वन जू कहां है, तो ये है आपके जंगल सफारी रायपुर में। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश के वन मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर। और एक चीज और याद रखना है, PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, देखिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रदेश के कौन है, ये है आपके अतुल शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, बदल चुके हैं, काफी पहले ही बदल चुके हैं, लेकिन कई लोग को ये नाम अभी भी मालूम नहीं है। प्रदेश के नए या वर्तमान में आपके PCCF कौन है, तो ये है आपके अतुल शुक्ला। ठीक, व्यक्ति विशेष पे देखिए, व्यक्ति विशेष पे पहले नंबर पर है आपका चित्रसेन साहू जो कि एक ब्लेड रनर इन द सेंस, एक्चुअली में एक ट्रेन दुर्घटना में इनके दोनों पैर कट गए, जिसके पश्चात वे एक प्रकार के कृत्रिम पैरों के माध्यम से चलते हैं। ठीक, यानी ये एक दिव्यांग है। दिव्यांग होने के बावजूद भी ये जो वे जो कृत्रिम पैर से चलते हैं, उसे कहा जाता है ब्लेड रनर। ठीक, तो ये ब्लेड रनर या अपने कृत्रिम पैरों के माध्यम से ही इन्होंने आपका माउंट किली मंजारो तंजानिया अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट किली मंजारो, जिसकी ऊंचाई है आपका 5,685 मीटर। तो 5,685 मीटर की ऊंचाई इन्होंने सफलतापूर्वक उसे चढ़ ली। ये इनकी इस चढ़ाई में सहयोग किया है आपके हमारे प्रदेश के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चित्रसेन साहू जो कि एक ब्लेड रनर है, उन्होंने हाल फिलहाल में माउंट किली मंजारो की शिखर पर फतेह की है। ठीक, नेक्स्ट है आपका करीना खातून जो कि जशपुर जिले की है। करीना खातून जिन्हें अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका स्वच्छ भारत अवार्ड प्रदान किया गया। ये जो आपका करीना खातून है, ये अपने स्थानीय स्तर पर यानी जशपुर जिले में लोगों को स्वच्छता से संबंधित जागरूकता अभियान चलाती है, साथ ही साथ लोगों को खुले में शौच न करने की सलाह देती है, महिलाओं में स्वच्छता की जागरूकता व स्वस्थ रहने के लिए सैनिटरी पैड यूज करने की सलाह उन्हें प्रेरणा देती है। तो इन कार्यों को देखते हुए इन्हें आपका स्वच्छ भारत अवार्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका बस्तर दशहरा। बस्तर का दशहरा, देखिए अभी दशहरा का समय है, जो बस्तर का दशहरा है जो हमारे प्रदेश का काफी फेमस आपका एक पर्व के तरीके से मनाया जाता है। लगभग 75 दिनों तक ये बस्तर का दशहरा चलता है। अब समझिएगा, इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने पाठ यात्रा मतलब एक दो रस्म हमने इससे पहले के वीडियो में हमने आपका पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए जो आपके रस्म है उसे आज हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका काछिन गादी। ये काछिन गादी है क्या? ये काछिन गादी के अंतर्गत ये एक प्रकार का आपका पूजा अनुष्ठान या पूजा विधान है। ये जो इसका आयोजन किया जाता है, इसी आपका जो आपका बस्तर जिला है, बस्तर जिला में एक जगह है जिसका नाम है काछिन गुड़ी। एक ग्राम का भी नाम है, वहीं पे मौजूद है आपका काछिन गुड़ी मंदिर। इस काछिन गुड़ी मंदिर के प्रांगण में आयोजन किया जाता है इस काछिन गादी, जिसमें आपका काछन देवी को बेल के कांटों के झूले में उन्हें बैठाया जाता है। देखिए काछिन का अर्थ होता है कांटा और गादी का अर्थ होता है गद्दा, यानी कांटे की गद्दी देना या झूला प्रदान करना। ठीक, तो देखिए जो काछिन देवी है उन्हें बेल के कांटों के झूले पर बैठाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए जो काछिन देवी है इसे रण देवी भी कहा जाता है, इनका जो अन्य नाम है वो है आपका रण देवी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि काछिन देवी या काछिन गादी के जो आपके अनुष्ठान है, जो रस्म है, उसमें किस जनजाति की कन्या को काछिन देवी बनाया जाता है। देखिए ये जो आपका काछिन देवी है ये आपकी पनका जाति की कन्या को आपका काछिन देवी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो आपकी काछिन देवी है या आपकी जो रण देवी है ये आपकी मिर्गान आदिवासियों की देवी है। देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया था कि किस जनजाति की कन्या को काछिन देवी बनाया जाता है। उसमें ऑप्शन में था आपकी मिर्गान जाति की कन्या को आपका काछिन देवी बनाया जाता है। लेकिन समझिएगा वो अलग, देखिए ऑप्शन में यदि आपका ये पनका जाति नहीं दिया है और आपका मिर्गान आदिवासी लिखा हुआ या मिर्गान जाति लिखा गया है तो आपको ऑप्शन में या आंसर में लेना है आपको मिर्गान। लेकिन यदि ऑप्शन में आपका पनका जाति अलग से मेंशन है तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका पनका। व्यापम में यह प्रश्न पूछा गया था जिसमें आंसर लिया गया था कि आपकी मिर्गान जाति की कन्या को काछिन देवी बनाया जाता है। लेकिन देखिए थोड़ा अगर हम डीप में जाएंगे, जैसे अभी आप सभी को मालूम है कि बस्तर का जो दशहरा है उसका आयोजन हो रहा है तो डेली न्यूज में इसके अपडेशन आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये जो काछिन देवी है, काछिन देवी बनाया जाता है आपकी पनका जाति की कन्या को। ये जो आपकी काछिन देवी है वहां पे बस्तर के मिर्गान आदिवासियों की देवी है। इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा, देवी बनाया जाता है पनका जाति की कन्या को और ये जो काछिन देवी है ये आपकी मिर्गान आदिवासियों की देवी है। ठीक, नेक्स्ट है बस्तर, ये जो आपका काछिन गादी जो रस्म होता है, जो पूजा अनुष्ठान होता है, जो काछिन देवी बनाया जाता है, देखिए ये क्यों किया जाता है, बस्तर दशहरे के रथ के संचालन की अनुमति के लिए। इसमें जो काछिन देवी है उन्हें बेल के कांटों के झूले पर बैठाया जाता है तथा जो राजा होते हैं बस्तर के, जो राजा है, जो सिरहासार भवन के जो राजा है, राज परिवार है, तो उसके जो मुखिया है मतलब जो राजा है वो इस काछिन देवी से बस्तर दशहरे के रथ की संचालन की अनुमति मांगते हैं। जब देवी के द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है उसके बाद ही अगले जो आपके बस्तर के दशहरे के रथ का जो यात्रा है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जोगी बिठाई और जोगी उठाई क्या है। देखिए इसका आयोजन होता है आपका सिरहासार भवन में। एक चीज को अपडेट कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने सिरहासार भवन को बता दिया था आपका कि दंतेवाड़ा जिला में है। ये सिरहासार भवन मौजूद है आपका जगदलपुर बस्तर जिला में। ठीक, उसे अपडेट कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में दंतेवाड़ा बताया, वो दंतेवाड़ा नहीं है, वो है आपके जगदलपुर में। ठीक, तो याद रखिएगा सिरहासार भवन कहां है, ये मौजूद है आपका जगदलपुर बस्तर में। ठीक, तो ये जो दो आपका अनुष्ठान है, एक है जोगी बिठाई जोगी उठाई, ये आपका लगभग 9 दिनों तक एक व्यक्ति को सिरहासार भवन में 5 फीट गड्ढे
खोद करके उस गड्ढे में एक ही मुद्रा पे उसे बैठाया जाता है। समझिएगा, जोगी बिठाई, जोगी बिठाई इस रस्म के अंतर्गत आपके 5 फीट गड्ढे में, इस सिरहासार भवन में आपके 5 फीट गड्ढे में एक व्यक्ति को एक ही मुद्रा में लगभग 9 दिनों तक बैठाया जाता है। क्यों बैठाया जाता है? ताकि जो बस्तर का आपका दशहरा है या जो आपका रथ यात्रा है ये निर्विघ्न संपन्न हो, इस कामना के साथ इस व्यक्ति को उस गड्ढे में लगभग आपका 9 दिन तक बैठाया जाता है। देखिए, ये जो जोगी बिठाई है, ये जोगी बिठाई जो है, मतलब ये जो जोगी बिठाई है, ये आपका किसी व्यक्ति को गड्ढे में बैठाया जाता है कब? जिस रोज आपका नवरात्रि प्रारंभ होता है। जिस दिन आपका नवरात्रि प्रारंभ होता है उस दिन इस व्यक्ति को बैठाया जाता है, जिसे कहा जाता है जोगी बिठाई, और आपका 9 दिन के पश्चात, ठीक 9 दिन के पश्चात, मतलब जिस रोज आपका, जब आपका दुर्गा नवमी होता है तो नवमी के दिन इस व्यक्ति को उठा लिया जाता है। ठीक, तो मतलब पूरे आपका जो नवरात्रि के जो 9 दिन रहते हैं, उस नवरात्रि के 9 दिन उस व्यक्ति को उसी गड्ढे के अंदर बैठे रहने दिया जाता है एक ही मुद्रा में। ठीक, नेक्स्ट है आपका रथ। देखिए, ये जो रथ खींचने के लिए, जो रथ खींचने के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है, जो आपके बस्तर के दशहरे के लिए जो आपका रथ बनाया जाता है, लगभग 2 मंजिला इमारत के बराबर की वो रथ रहती है, 8 पहियों वाली वो रथ रहती है, उस रथ को खींचने के लिए जो रस्सी बनाया जाता है वो सियाड़ी पेड़ की छाल से बनाया जाता है। सियाड़ी पेड़ की छाल से बस्तर के जो आपके रथ को खींचने के लिए जो रस्सी बनाया जाता है वो आपके सियाड़ी पेड़ की छाल से बनाया जाता है, तथा इस रथ को जो खींचने का जिम्मा या जवाबदारी जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका किलोपाल परगना के मुड़िया जनजाति के लोगों को, सॉरी माड़िया जनजाति के लोगों को, नॉट मुड़िया। देखिए, रथ खींचने के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है वो बना होता है आपकी सियाड़ी पेड़ की छाल से बनी होती है रस्सी, जबकि जिम्मा, उस रथ को खींचने का जिम्मा या जवाबदारी दिया जाता है आपके किलोपाल परगना के माड़िया जनजाति के लोगों को। स्थानीय स्तर पर ये मान्यता होती है कि ये जो माड़िया जनजाति के लोग हैं ये काफी बलशाली होते हैं, इसलिए माड़िया आपके जनजाति के लोग ही इस बस्तर के दशहरे के रथ को खींचेंगे। ठीक, देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इसमें लगभग आपके 30 से 35 के आसपास कुछ गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं, हर परिवार का एक सदस्य इसमें शामिल होना जरूरी है। इस माड़िया जनजाति का, इस किलोपाल परगना के लगभग 30 से 35 गांव के, जो आपके हर एक गांव में हर एक परिवार का एक व्यक्ति इस आपके बस्तर के दशहरे के रथ को खींचने के लिए आना आवश्यक है, यदि वह नहीं आता तो उसमें उसे अर्थदंड उससे वसूला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका रथ परिक्रमा। देखिए, आश्विन द्वितीया, ये जो आपका रथ परिक्रमा है ना, ये जोगी बिठाई के अगले दिन, जोगी बिठाई के दूसरे दिन ही इस रथ परिक्रमा आपकी शुरू कर दी जाती है। जोगी बिठाई के दूसरे ही दिन आपके इस आश्विन द्वितीया को, जोगी बिठाई के दूसरे दिन इस आश्विन द्वितीया को रथ परिक्रमा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। देखिए, आश्विन द्वितीया से लेकर के आश्विन सप्तमी तक लगभग छह दिनों तक इस रथ की आपकी परिक्रमा कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है? देखिए, सिरहासार भवन से एक निश्चित मार्ग निर्धारित किया जाता है, उस निर्धारित मार्ग में इस रथ को नियमित 6 दिनों तक घुमा करके वापस ला करके सिरहासार भवन पर, आपका सिरहासार भवन के द्वार पर ला करके उसे खड़ा कर दिया जाता है। ठीक, जो देखिए, इसे याद रखिएगा, रथ परिक्रमा कब से प्रारंभ हो रही है? जोगी बिठाई के दूसरे दिन से। नेक्स्ट है आपका निशा यात्रा। देखिए, अश्विन द्वितीया से अश्विन सप्तमी तक क्या हुआ? रथ परिक्रमा। अब आता है अष्टमी, यानी दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी के दिन आयोजन किया जाता है आपके निशा यात्रा का। ये जो पर्व है इसमें 11 बकरों की बलि दी जाती है इस निशा यात्रा मंदिर में। जगदलपुर में ही मौजूद है आपका निशा यात्रा मंदिर। उस निशा यात्रा मंदिर में आपके 11 बकरों की बलि दी जाती है, किसमें? निशा यात्रा मंदिर में, जिसका आयोजन होता है आपके दुर्गाष्टमी के दिन, जिसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए तथा सुख समृद्धि की कामना के लिए इन 11 बकरों की बलि दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मालवी परघाव। देखिए, इस मालवी परघाव के अंतर्गत दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी को बस्तर के दशहरे में सम्मिलित होने के लिए एक न्योता या निमंत्रण भेजा जाता है। ठीक, न्योता या निमंत्रण भेजा जाता है आपके दंतेश्वरी माता को आमंत्रित, या उसे उन्हें निमंत्रित करने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। ठीक, देखिए, निशा यात्रा है, इसका आयोजन किया जाता है दुर्गाष्टमी को,
ठीक अष्टमी के दिन आपका निशा यात्रा होता है, नवमी के दिन आयोजन किया जाता है आपके इस मालवी परगाव का। दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी देवी की डोली में आपका मालती देवी की मूर्ति लाई जाती है। समझिएगा मालवी परगाव होता क्या है। बस्तर के दशहरे में दंतेश्वरी देवी को आमंत्रित किया जाता है। बस्तर के दशहरे में सम्मिलित होने के लिए दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी को आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए एक डोली बनाई जाती है आपकी माता को लाने के लिए। तो इस दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी देवी की डोली में आपकी मालवी देवी को लाया जाता है और यह मालवी देवी, इस मालवी देवी को दंतेश्वरी देवी का प्रतिरूप समझा जाता है। देखिए एक्चुअली में आपकी दंतेश्वरी देवी को नहीं लाया जाता, उनके प्रतिरूप को लाया जाता है। देखिए पूजा अनुष्ठान के एक कपड़े में चंदन का लेप लगा करके एक माता का प्रतिरूप बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है आपका मालवी माता, जिसे आपकी दंतेश्वरी देवी का प्रतिरूप माना जाता है। उसी दंतेश्वरी माता का जो आपका प्रतिरूप है मालवी देवी, उन्हें ही लाया जाता है दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी की डोली में। क्यों? बस्तर के दशहरे में सम्मिलित होने या रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका भीतर रैनी जिसका आयोजन किया जाता है दशमी को, विजयदशमी के दिन। जिस रोज आपका रावण जलता है उस रोज आयोजन किया जाता है आपका विजयदशमी के दिन भीतर रैनी का। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका रथ का चोरी किया जाता है स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। जो आपका सिरहासार भवन के बाहर जो आपका रथ रखा होता है, उसे रात के समय स्थानीय आदिवासियों के द्वारा चुरा करके आपका कुम्हड़ा कोट नामक एक जगह है, एक ग्राम है, एक जंगल है, उस जंगल में ले जा करके छुपा दिया जाता है। यह होता है आपके भीतर रहनी के दिन, विजयदशमी के दिन इसका आयोजन होता है भीतर रहनी का। जिस रोज स्थानीय जनजाति या स्थानीय आदिवासी लोग इस रथ को चुरा करके उसे कुम्हड़ा कोट ग्राम के जंगलों में छुपा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाहर रहनी इसका आयोजन होता है एकादशी के दिन। इस दिन आपके सिरहासार भवन या बस्तर का जो राजा है वो इस कुम्हड़ा कोट भवन में जा करके उसका पूजा अर्चना, रथ का पूजा अर्चना करके उसे प्रथम आपका जो अन्न प्रदान करके उस रथ को वापस लाता है, वापस ला के सिरहासार भवन के सिंह भवन के सामने ला करके उसे पुनः खड़े करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मुरिया दरबार जिसमें आपकी काछिन देवी को सम्मानित किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के पश्चात इस काछिन देवी को सम्मानित किया जाता है। मुरिया दरबार में एक आम सभा आयोजित करके आपका जो काछिन देवी है, जिन्होंने इस बस्तर के आयोजन की अनुमति दी थी, तो जो आपका बस्तर का जो आपका दशहरा है, बस्तर के दशहरे का सफलतापूर्वक हो गया, इसलिए उन्हें सम्मान दिया जाता है पूजा अनुष्ठान के माध्यम से मुरिया दरबार के द्वारा। तथा इसी मुरिया दरबार में जो आपका राजा है, राजा को स्थानीय गांव के लोग अपनी समस्याएं बताते हैं तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है इस मुरिया दरबार में। ठीक, नेक्स्ट है आपकी ओहाड़ी। ये जो मुरिया दरबार है, मुरिया दरबार का आयोजन होता है द्वादशी के दिन यानी 12वें दिन। नेक्स्ट है आपका ओहाड़ी का आयोजन होता है 13वें दिन यानी त्रयोदशी के दिन होती है आपकी गंगा मुड़ा यात्रा यानी बस्तर के दशहरे में जो आपकी मालवी देवी की मूर्ति, जिन्हें दशहरे में सम्मिलित करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था या आपके दंतेश्वरी देवी की डोली में उन्हें बैठा के लाया गया था, तो इस गंगा मुड़ा यात्रा के माध्यम से इस त्रयोदशी के दिन इस मालवी देवी की विदाई की जाती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा है आपका बस्तर दशहरा संबंधित जितने भी फैक्ट है, जो उसके रस्म है, वो सारी चीजों को हमने कवर कर दिया है। फिर भी यदि कुछ चीज छूट गया होगा तो उसे हम नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर आएगा 10 डेज का उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपकी योजनाएं। गांधी जयंती के अवसर पर आपके जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2 अक्टूबर को पांच योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। देखिए पहले नंबर पर है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ये जो है 2 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया। ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, इसके अंदर का समझिएगा, प्रदेश में जो कुपोषण है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में जो कुपोषण का स्तर है वो है आपका 37.6%, जबकि जो एनीमिया महिलाओं में जो खून की कमी रहती है 15 से लेकर के आपका 49
49 ईयर तक की, 15 से लेकर 49 वर्ष तक की जो महिलाओं में जो खून की कमी रहती है जिसे एनीमिया कहा जाता है, तो उस एनीमिया का जो स्तर है हमारे प्रदेश में वो है आपके 41.5%। तो इसे कम करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका आंगनबाड़ी, पंचायत तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से बच्चों तथा महिलाओं में आपका पौष्टिक गर्म भोजन वितरित किया जाएगा। ठीक, पोषण स्तर में सुधार के लिए पौष्टिक गर्म भोजन उन्हें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, समझिएगा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक। ये मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक क्या है? हाट मतलब होता है बाजार। देखिए कई गांवों में आपके साप्ताहिक आपके बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं। कुछ गांव ऐसे आपके ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं जहां पे आपकी मेडिकल फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल पाती। देखिए आदिवासी तथा वनांचल क्षेत्रों में, तो उन जगहों पर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, या अगर उनका किसी प्रकार को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए या उसके इलाज के लिए वे आपके अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो उनके स्थानीय निवास से काफी दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो इस जो दुर्गम क्षेत्र में जो आपके गांव बसे हुए हैं, जो आपके वनांचल में जो आपके आदिवासी जनजातियों का जो निवास है, वहां पे साप्ताहिक आधार पर दो या तीन गांवों में को मिला करके एक साप्ताहिक आधार पर एक बाजार लगता है। तो उन बाजारों पर एक मोबाइल मेडिकल टीम बनाई जा रही है प्रदेश में। उन मोबाइल मेडिकल टीम के माध्यम से, जैसे आपको समझ लीजिए संजीवनी एक्सप्रेस है जो हमारे प्रदेश में चलता है, जो एम्बुलेंस सुविधा है, तो ये एम्बुलेंस जा करके आपके इन हाट और बाजारों में जा करके खड़े हो जाएगी। वहां पे एक आपका मेडिकल एक स्टाफ होगा जो बाजार में आने वाले लोगों का मेडिकल चेकअप करेगा, उन्हें निशुल्क दवाइयां देगा, उनका निशुल्क उनका पैथोलॉजी जो आपका जांच होते हैं वो जांच करके उनको दवाई वितरित करेगा। ठीक, तो ये है आपका मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो कि आपके साप्ताहिक हाट बाजार में आपका मोबाइल मेडिकल टीम के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाएगा। जून से ये आपका बस्तर में आपके जून माह से इस मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ हो चुका है। 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प्रदेश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, स्लम मतलब होता है झुग्गी, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो आपके झोपड़ी में शहरी इलाकों में जो आपके झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो कहलाते हैं आपके स्लम। तो जो आपके शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, देखिए जो शहरी आपका स्लम स्वास्थ्य योजना है ये लाया गया है इसी के तर्ज पर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना ये स्पेशली आपके आदिवासी या आपके अंचल या ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करेगा। वहीं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना यह आपके शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को टारगेट करेगा। इसके अंतर्गत आपके 13 नगर निगम के आपके स्लम क्षेत्र के लोगों को सप्ताह में एक दिन मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, सेम आपके मोबाइल मेडिकल टीम के माध्यम से। ठीक, इसमें आपका एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होगा जो कि इस स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का आपका उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगा, फ्री ट्रीटमेंट देगा, फ्री आपका मेडिसिन देगा, फ्री उनका जो चेकअप होता है, जो उनके पैथोलॉजिकल जो आपके पैथोलॉजिकल जो उनके जांच होते हैं वो सारे चीज उनको निशुल्क प्रदान करेगा सप्ताह में एक दिन। देखिए इस मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो आपके 171,000 जो स्लम परिवार है, हमारे प्रदेश में वर्तमान में 171,000 जो आपके स्लम परिवार है यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 171,000। इस 171,000 परिवार में अगर हम लोगों की संख्या देखें तो लगभग आपका 7.80 लाख लोग यानी 7,80,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कितने परिवार है? 171,000 स्लम परिवारों को लाभ मिलेगा यदि लोग पूछे गए तो लगभग आपका 7,80,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्री में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में आपको ये आंकड़े काम आएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, ये यूनिवर्सल पीडीएफ स्कीम, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं सार्वभौमिक पीडीएफ प्रणाली के अंतर्गत, तो इसे दोबारा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री वार्ड क्लिनिक। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा एक जन चौपाल का आयोजन किया जाता है, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आपके जन चौपाल का जो आयोजन है ये किया जाता है मुख्यमंत्री निवास में। लेकिन मुख्यमंत्री निवास तक हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए लाया गया है आपका मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय जो
कि प्रदेश के जो आपके 13 नगर निगम है, प्रदेश के 13 नगर निगम में बनाए जाएंगे आपके मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, जिसमें लोक निर्माण, राजस्व या आपकी कोई भी समस्याएं हैं जो सरकार से जो आप चाहते हैं उससे यदि आपकी किसी प्रकार की समस्याएं हैं या आप समाधान चाहते हैं तो उसके निराकरण के लिए आप अपनी शिकायत कर सकते हैं इस मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में। जैसे मुख्यमंत्री जन चौपाल का आयोजन होता है, उसी प्रकार से उसी के तर्ज पर इसे डेवलप किया जा रहा है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय को। देखिए इसमें जो नगर निगम है, नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है, ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है वहां पे 2 वार्डों को मिला करके एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा। ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी 2 से 3 लाख के मध्य है, यानी 2 लाख से अधिक है लेकिन 3 लाख से कम है, तो वहां पर आपके 3 वार्ड को मिला करके एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस। देखिए विविध उद्यंती अभ्यारण्य में, उद्यंती अभ्यारण्य में जो आपका आपकी वन भैंसा है, वन भैंसा आशा, जो आपकी मादा वन भैंसा है आशा, उन वो उसने एक नए नर वन भैंसे को जन्म दिया है जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है आपका हीरा। मादा वन भैंसे के द्वारा उद्यंती अभ्यारण्य में एक नए आपके नर वन भैंसे का जन्म हुआ है जिसका प्रस्तावित नाम, अभी नाम रखा नहीं गया है, नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि उस नए नर वन भैंसे का नाम रखा जाएगा आपका हीरा। ठीक, उद्यंती अभ्यारण्य में अभी वर्तमान में वन भैंसों की संख्या कितनी है इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी के न्यूज़ में आया है 10, जबकि इससे पहले और एक वन भैंसे का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था आनंद। उस समय बताया गया था कि अब उद्यंती अभ्यारण्य में वन भैंसों की संख्या हो गई है 11, लेकिन अभी जब ये जन्म हुआ है आपके हीरा का तो इसकी संख्या अभी भी 10 बताई जा रही है। तो फिलहाल अभी ये आंकड़े याद मत रखिए, अगर इसमें किसी प्रकार का अपडेशन मिलेगा तो आपको जरूर इसको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो आपका मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का जो आयोजन किया गया था उसमें हमारे प्रदेश की जो शैली राय है, प्रदेश की शैली राय वो सेकंड स्थान पर रही। याद रखिएगा जो इंडिया लेवल पे जो पहले हुआ था, पहला जो संस्करण हुआ था वो था आपका मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का जो पहला संस्करण हुआ था उसमें जीतने वाली यानी पहली मिस ट्रांस क्वीन हमारे प्रदेश की है आपकी वीणा शेंद्रे। अब हमारे अखिल भारतीय स्तर पर देश की पहली महिला ट्रांस क्वीन कौन है? वीणा शेंद्रे। इसका सेकंड संस्करण यानी दूसरा संस्करण अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ जिसमें मिस ट्रांस क्वीन में सेकंड स्थान पर रही आपकी शैली राय। ठीक, पहले नंबर पर है आपकी नीतू आर एस, कर्नाटक की, जिसने इस साल मिस ट्रांस क्वीन 2019 का टाइटल अपने नाम किया है नीतू आर एस, जो कि है कर्नाटक में। मिस ट्रांस क्वीन 2018 का टाइटल किसे मिला था पूछा जाए तो वो है वीणा शेंद्रे हमारी छत्तीसगढ़ की। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019 का टाइटल किसे मिला पूछा जाएगा तो वो है नीतू आर एस, जो है कर्नाटक की। और इसी मिस ट्रांस क्वीन 2019 में जो सेकंड पोजीशन पर रही वो है आपकी शैली राय। नेक्स्ट है आपका रायपुर रायगढ़ मेमू। देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ट्रेन 18 जिसका नाम रखा गया था पूर्णतः स्वदेश निर्मित, जो आपकी ट्रेन 18 है जिसका नाम रखा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस, उसी के तर्ज पर डेवलप किया गया है ये आपका रायपुर रायगढ़ मेमू। ठीक, जो कि रायपुर से रायगढ़ के मध्य आपका चलेगी ये ट्रेन। तो याद रखिएगा वंदे भारत के तर्ज पर कौन सी मेमू डेवलप की गई है जो किन दो स्थानों के मध्य चलेगी, वो है आपका रायपुर से रायगढ़ के मध्य। ठीक, नेक्स्ट है ई मानक, जो कि शासकीय खरीदी का एक इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट पोर्टल है जिसके माध्यम से शासकीय खरीदी की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। देखिए जिस प्रकार से आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट में खरीदी करते हैं वैसे ही प्रदेश के जो लघु उद्योग है, लघु उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है इस ई मानक पोर्टल के माध्यम से। आने वाले समय पर जो प्रदेश सरकार है इससे संबंधित एक ऐप भी डेवलप करेगी, लेकिन फिलहाल एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है ई मानक,
मानक इस ई मानक पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी की जाएगी। शासकीय खरीदी इन द सेंस, देखिए जो आपके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में जो खरीदी की जाती है वो अलग अलग टेंडर के माध्यम से की जाती है, लेकिन अब वो खरीदी की जाएगी आपके इस ई मानक पोर्टल के माध्यम से। साथ ही साथ इसे आम जनता के लिए भी जल्द से जल्द इसे लॉन्च किए जाने की अभी बात चल रही है। तो याद रखिएगा ई मानक पोर्टल क्या है, ये शासकीय खरीदी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है आपकी एससी जाति अनुसूचित जाति। देखिए प्रदेश की 7 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रदेश की 7 जातियों को कौन कौन से, घासी, घसिया, सईस, सहीश, सारथी, सूत सारथी और थनवार। देखिए नाम मिलते जुलते हैं, सेम टू सेम नेम वाले नाम वाले हैं, घासी, घसिया, सईस, सहीश, सारथी, सूत सारथी और थनवार। ये 7 जाति है जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते थे, जिसे केंद्रीय सामाजिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि न्यूज़ काफ़ी पुराना है, लेकिन ये न्यूज़ अभी का ही था, उसमें बाय मिस्टेक एक जगह जनजाति लिखा गया है उस न्यूज़पेपर में, लेकिन वो अनुसूचित जाति है। याद रखिएगा पिछड़े वर्ग में आते थे, पिछड़े वर्ग से अब इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है रेलवे स्वच्छता रैंकिंग। रेलवे स्वच्छता रैंकिंग अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के द्वारा रेलवे के स्वच्छता रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में सामने आया है आपका जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन हमारा भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, जबकि हम रेलवे जोन की बात करें तो आपका नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है आपका जयपुर। देखिए यदि हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जयपुर रेलवे स्टेशन आपके भारत भर में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। यदि हम जोन की बात करें तो पूरे भारत भर में जो आपके 17 रेलवे जोन है, उन 17 रेलवे जोन में आपका नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन यानी जो आपका जिसका मुख्यालय है आपका जयपुर, दोनों में आपका जयपुर टॉप किया रेलवे जोन के मामले में भी, और आपके 720 रेलवे स्टेशनों में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है आपका जयपुर। ठीक, यदि हम बात करें हमारे बिलासपुर रेलवे जोन की, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, तो इस ये जो हमारा जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो इस स्वच्छता रेलवे की इस स्वच्छता रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। पहले नंबर पर रहा आपका जयपुर रेलवे जोन में, 17 रेलवे जोन में जयपुर पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर है हमारा यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बिलासपुर। नेक्स्ट समझिएगा, देखिए अब जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। ये जो हमारा SECR यानी जो हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, उसके अंतर्गत कुल आपके 20 रेलवे स्टेशन आते हैं। तो इस बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है उनकी रैंकिंग क्या रही, देखिए हम अभी केवल हम जो हमारा जो बिलासपुर रेलवे जोन है उसमें रैंकिंग देख रहे हैं। तो देखिए बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत जो 20 रेलवे स्टेशन है उसमें पहले स्थान पर है राजनांदगांव, दूसरे स्थान पर है रायपुर रेलवे स्टेशन, तीसरे स्थान पर है भाटापारा रेलवे स्टेशन, पांचवें नंबर पर है अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, जबकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन खुद है आपके 12वें स्थान पर, जबकि 20वें स्थान पर या आखिरी स्थान पर है आपका चांदाकोट रेलवे स्टेशन। ये है हमारे इस बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत रैंकिंग। लेकिन हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें यानी भारत के जो 720 रेलवे स्टेशन मौजूद है, इस 720 रेलवे स्टेशन में ये जो हमारे प्रदेश का जो आपका राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव रेलवे स्टेशन है 13वें नंबर पर, जो रायपुर है वो है 24वें नंबर पर, भाटापारा है आपके 43वें नंबर पर, अंबिकापुर रेलवे स्टेशन जो कि हमारे जोन में उसका 5वां स्थान है अखिल भारतीय स्तर पर, वो है 66वें स्थान पर, बिलासपुर रेलवे जोन जो कि है आपके 139वें स्थान पर, जबकि चांदाकोट रेलवे स्टेशन वो है 558 स्थान पर। तो याद रखिएगा जितनी भी रैंकिंग बता रहा हूं सारे रैंकिंग को याद रखिए, बस्तर दशहरा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।